मीटिंग मतलब साफ भी है। हम अपने छत पर बैठे हुए हैं, ये देखिए हमारी छत है, ये देखिए टहल रहे हैं जजमान जी। देख मसाला गरीबों के लीजिए, शान, सनके मतलब मसाला ही खिलाना है और कुछ नहीं। देख लो पहले, सनके सनके। अब बस सनकी से ही गुजारा है ना। ये बहुत खराब थी, यहाँ का वैसे कर रहे थे। हाँ, अब दावा किसने है? मुझे दावा था। हाँ तो एक कप चाय तक की नहीं पिलाए, दावने तो दूर की बात। आप ही बोले भी तो क्या कह रहे हैं। ऐसा करो कि तुम लौट के आना, तब पीना आगे जाए। आज पूरे दिन छकवा लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए मेरी पूरी छत है, देख छोटी लीजिए इतनी बड़ी छत है। इसी में डेली डेली किच 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 लड़ाई हुआ करती है। हमें गुस्सा लगती बहुत है जी, हमें लड़ाई झगड़े नहीं पसंद है। जो बात साफ बात है, हम सुकून में रहते हैं, शांति से रहते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है कि लड़ाई झगड़ा डेली डेली करो। देख लीजिए देख क्या चीज। देखिए हम जा रहे पानी लेने, पानी ले आओ बोतल को उठा के। वो देखिए मेरी माँ बैठी है, मेरे सास ससुर हैं। सास मेरी दवा रही है पापा के साथ। मैडम पानी पानी देना, सेब भी लाएगा मैडम जी? नहीं बताओ तो सेब भी ले। अभी मैडम बाद में जाने क्या बनाएंगे। हाँ इनका देर दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी। और इंडिया में आप अगर दूसरे लोगों के बारे में अगर अच्छा कहते हैं ना, अच्छा सोचते हैं ना, अक्सर वही आपको वो करता है, धोखा देता है। आजकल जमाना नहीं है किसी पे भरोसा विश्वास करने में। मतलब तुमको तो मैंने बोला नहीं। सेब खा लो। हाँ खाओ, चाय बोले थे, चाय बनाने की मम्मी तो होती है। बता नहीं रहे चाय के लिए कह रहे थे मम्मी को, खाओ तो तल जाती, काली मिर्च डाल के बना लेते चाय। पूछो मम्मी से, पूछो मम्मी पापा से। तुम ही बता दो। लड़ाई भी करते हैं और किसी दिन किसी दिन दारू पिए होंगे, लड़ाई करेंगे आपस में। आप लोगों को वीडियो को जरूर दिखाएंगे तो मेरे मम्मी पापा कैसे लड़ाई करते हैं। अभी कम लड़ाई नहीं की है, बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। शरीर देखिए मेरी कैसी हो गई है, आप भी देख सकते हैं, कम नहीं है। और कभी तो दांत दिखाते हैं, ये देखिए जा रहे हैं। देखिए दूध ला के दे देना, दूध और बताइए। मेरा एक भाई है, विकलांग है, वो चल नहीं पाता है, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि आधार कार्ड मतलब उसका बनवाना है। दो तीन चार चार जगह बनवा चुके हैं, चार जगह से ही रिजेक्ट हो गया। मतलब बनी मतलब रिजेक्ट हो जाता है जब कोई आईडी को प्रूफ लगाओ और लगवाओगे नहीं तो कैसे होगा। वो विकलांग है, वो चल नहीं पाता। हम इतना चाहते हैं उसकी जितनी से जितनी हो सके उसकी सहायता करें, उसका सहयोग करें। ऐसे आदमी को पता सुनवाई नहीं होती है,
जानते हैं, मैं कई जगह दौड़ चुकी हूँ, कई जगह मैं जा चुकी हूँ, कई जगह आ चुकी हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से विनती है कि कम से कम उसकी सुनवाई की जाए। वो मेरा भाई है, उसका आधार कार्ड बने और उसको जो विकलांगों के लिए सहायता होती है उसको सब दिया जाए। क्या मतलब उसका क्या कसूर है विकलांग होने में? उसका तो कोई कसूर नहीं होता विकलांग होने में। यूको बैंक में गए थे तो यूको बैंक में बताया गया कि ले गए, फिंगर लगवाया गया। एक तो कमीशन बहुत लेते हैं आजकल, किसी भी कैफे में जाओ कमीशन जरूर लेते हैं। हमसे कमीशन लिया गया था करीबन यही 450-500 हमसे कमीशन लिया गया। हमको यूको बैंक भेजा गया, मेरे भाई को हमको साथ में भेजा गया। वो बेचारा चल नहीं पाता है, सवारी से उसको लेके गए वहाँ पे। बनाया एक दो बार बनाया गया, फिंगर नहीं आया। दूसरी बार गए उसका फिंगर आया तो रिजल्ट बताता है। जब रिजल्ट ही बताता है मेरे भाई का आधार, तो क्यों नहीं उसका सुनवाई होती? वो तो विकलांग है, वो तो चल नहीं पाता, उसकी तो सुनवाई बहुत होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? ये कैसा अदालत है? हम इतना कहेंगे, आप लोग मेरी वीडियो इतनी सब्सक्राइब कीजिए इतनी सब्सक्राइब कीजिए कि जो एक विकलांग भाई बेचारा घर पर जो मेरे लिए लेटा रहता है, जो इतना आज आप मानेंगे नहीं, आज मैं इस जगह तक आई हूँ तो केवल उसी की वजह से आई हूँ। और ये मेरे हस्बैंड है, इनकी वजह से मैं आई हूँ। बस मैं तो कभी नहीं सोचा था कि हम इतने आगे बढ़ पाएंगे और इतना सब कुछ कर पाएंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। बस इतना ही दोस्तों कहेंगे कि उसकी भी सुनवाई की जाए यार, मेरा भाई है वो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कुत्ता काट के खाया। जगीरा अरे उसका डायलॉग एक गजब का वो है। कौन सा? सुन तो बेटा चुप हो जा, सो जा, मैया सुनावे लोरी। बहुत तगड़ा डायलॉग है उसका। भैया वो ईटा दो खा के जरा सा। दो कुछ दो रखे है। दू बस चल रही है यार, घंटा चल रही है। मैडम अमरी से खा रही है काट काट के। मैडम की बात ना वीडियो हो गया अपना, वीडियो बंद नहीं है। अब आज अरे लीड एड नहीं, जितना सुनाई तो सुनाई दी ऑटोमेटिक निकाल रहा। मतलब आई आई आवाज सब कुछ आई आवाज तो कोई परेशान ना हो। सही क्या? अरे लाएगी कोई टेंशन है ना, हम ब्लूटूथ ला देवे ना, ब्लूटूथ ला देवे जिस समय उस समय कोई दिक्कत ना हो। ब्लूटूथ से बना के ब्लूटूथ इनके लिए एक स्टैंड दो चीज़ें लानी है। पैसा कौड़ी आ गया यार, तो मोबाइल वोबाइल का भी ध्यान दे यार, है ना? मोबाइल लिया जाए पैसा कौड़ी
यार मैं गरीब आदमी, हम लोग कमाए वाले यार, पेंटिंग कर करके मारती आँख मारो छुट्टियाँ हुई है आदमी के, 10 दिन काम मिला था, 10 दिन के बाद बारिश काम नहीं मिला था इंसान के लिए, तो कहाँ से मोबाइल ले लिया यार। गरीब आदमी टूटा फूटा मोबाइल चल रहा है तो चल रहा है जब तक, है कि नहीं है? वही।